दोस्तों, अगर आप भी ओप्पो स्मार्टफोन लवर हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ओप्पो रेनो 6 सीरीज, जिसका इंतजार हमें काफी दिनों से था, यहाँ पे इसका जो लॉन्च डेट है वो ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है। यहाँ पे दो स्मार्टफोन आएंगे, ओप्पो रेनो 6 एंड ओप्पो रेनो 6 प्रो, दोनों ही 5G रहने वाले हैं। यहाँ पे आज की वीडियो का कंटेंट हमारा यही रहने वाला है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है आपको इस स्मार्टफोन में, इसकी प्राइसिंग क्या होगी, सारी कुछ बताऊंगा डिटेल्स इस वीडियो में। तो चैनल पर नए हो या आवाज पहली बार सुन रहे हो तो हमेशा की तरह भाई की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में ऐसे ही तगड़े कंटेंट आपको मिले। सबसे पहले बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, ओप्पो रेनो 6 सीरीज में अभी तक दो स्मार्टफोन का लॉन्च डेट कंफर्म हुआ है। पहला है ओप्पो रेनो 6, दूसरा है ओप्पो रेनो 6 प्रो, जो कि 5G रहने वाला है दोनों ही स्मार्टफोन। यहां पे कंपनी ने ऑफिशियल डेट 14 जुलाई को टीस्ट किया है और ये स्मार्टफोन जो है ये ऑलरेडी चाइना में मई के मंथ में लॉन्च किया जा चुका है, जिसे कि सक्सेसर बताया गया है ओप्पो रेनो 5 सीरीज का। अब यहाँ पे ओप्पो ने ये कहा है कि रेनो 6 एंड रेनो 6 प्रो ये दोनों ही काफी यूनिक फीचर्स के साथ आएंगे, लाइक बॉक्स फ्लेयर, पोर्ट्रेट वीडियो, AI हाईलाइट वीडियो और इसी के साथ बहुत कुछ सारे न्यू फीचर्स। ये स्मार्टफोन को अगर आप बाय करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे जाकर रजिस्टर कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो में सबसे पहले स्पेसिफिकेशन को लेकर। तो यहाँ पे मैं दोनों के ही स्पेसिफिकेशन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो रेनो 6 की। तो यहाँ पे एक फ्लॉन्ट्स डिस्प्ले 6.43 इंच का FHD+ AMOLED के साथ आने वाला है, जहां पे आपको पंच होल कैमरा देखने को मिल जाएगा, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले के मामले में काफी अच्छा क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा इन कंपेयर विथ रेनो 5 सीरीज। एंड साथ में आपको रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट देखने को मिल जाएगा और एक ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिश रहने वाली है, एकदम पूरी स्मूथ। यहाँ पे मेटल फिनिश मुझे लग रहा है कि दिया जाएगा, बट देखते हैं, अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके रिगार्डिंग। दोस्तों, ओप्पो रेनो 6 के कोर स्पेसिफिकेशन यानी परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें तो MediaTek के Dimensity 900 का 5G SoC इसमें देखने को मिलेगा विद अप टू 12GB ऑफ रैम एंड 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, जिसको आप एक्सपेंड कर पाओगे एक्सटर्नल SD कार्ड लगा के। साथ में ये जो डिवाइस है वो Android 11 के ऊपर बेस रहने वाला है, जो कि आएगा लेटेस्ट कलर OS 11 के कस्टम स्किन सपोर्ट के साथ। साथ में यहाँ पे 4300 mAh की बैटरी 65 वॉट के बड़े फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर बढ़ते हैं ओप्पो रेनो 6 में कैमरा की तरफ तो रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा का हाउसिंग देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा, जो कि आएगा 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल के सपोर्ट के साथ, साथ में 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस। और वहीं दोस्तों, इसके सेल्फी की बात करूं जो कि रियली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, 32 मेगापिक्सल का स्नैपर फ्रंट साइड में देखने को मिलेगा। और ओप्पो कहीं ना कहीं अपने कैमरास के लिए ही काफी जानी जाती है इंडियन मार्केट में, तो इस सेल्फी कैमरा की मदद से आप वीडियो चैट्स एंड साथ में पोर्ट्रेट सेल्फीज आसानी से क्लिक कर पाओगे। एंड साथ में सिक्योरिटी पर्पस के लिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसके कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स की अगर हम लोग बात कर लें तो उसमें रहने वाला है 5G 4G LTE डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.2 GPS एंड साथ में USB टाइप सी पोर्ट फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। तो एक कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिल रहा है इस स्मार्टफोन में, आप इसे कह लो कि एक फ्लेक्सिबल लेवल का ही स्मार्टफोन होने वाला है। दोस्तों, वहीं बात करें ओप्पो रेनो 6 प्रो के बारे में तो यहां पे आपको 6.55 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले विद 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, जिसका की रेजोल्यूशन 2400x1080 पिक्सल रहने वाला है, पंच होल कटआउट एंड साथ में कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगा। और वहीं जो इसका डिजाइन है वो सिमिलर रहने वाला है ओप्पो रेनो 6 से। अब इसके परफॉर्मेंस में यहाँ पे चेंजेस की गई है, MediaTek के Dimensity 1200 का 5G SoC देखने को मिलेगा और सेम कपल्ड रहने वाला है 12GB ऑफ रैम एंड 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। और यहाँ पे ये Android 11 के ऊपर बेस रहेगा, जो कि आएगा लेटेस्ट कलर OS 11 के स्कीम के सपोर्ट के साथ। और यहीं पे 4500 mAh की बैटरी, जो कि सेम है 65 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएगी। और वहीं इसके कैमरा की तरफ बढ़ते हैं तो रियर साइड में सेम कैमरा मॉड्यूल ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा, प्राइमरी 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और जो सेल्फी है वो 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगी। और साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट और कनेक्टिविटी फीचर्स में इंक्लूडिंग रहने वाला है 5G 4G LTE डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5.2 GPS एंड USB टाइप सी पोर्ट फॉर डेटा चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। तो यहां पे ओप्पो रेनो 6 एंड 6 प्रो में बेसिक डिफरेंस मुझे दो जगह समझ में आया। सबसे पहला तो यहाँ पे जो डिस्प्ले की क्वालिटी है, इसमें गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन रेनो 6 प्रो में दिया गया है, जो कि 6 में नहीं है। रेनो 6 में आपको डायमेंसिटी 900 मिलता है, हाउएवर रेनो 6 प्रो में आपको डायमेंसिटी 1200 मिलता है। तो परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं रेनो 6 प्रो बीट करेगा रेनो 6 को। एंड डेफिनेटली जो प्रो मॉडल है वो हमेशा से ही नॉर्मल मॉडल से अलग होता है। आप चाहे रियलमी के फोन उठा लो या फिर नॉर्मल Xiaomi के फोन, किसी भी फोन की कंपनी को आप पिक कर सकते हो, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों, आते हैं इसके प्राइसिंग को लेके। तो जो
ओप्पो रेनो 6 प्रो है, यहाँ पे चाइना में लॉन्च किया गया था अप्रोक्स 3499 युआन, यानी कि इंडियन करेंसी में 39,800। और जो ओप्पो रेनो 6 है उसकी चाइना में कीमत थी 2799 युआन, यानी कि 31,800। तो मुझे लगता है कि 30,000 तक ये स्मार्टफोन इंडिया में ओप्पो रेनो 6 आना चाहिए, और जो 6 प्रो है वो 35 से 40 के बीच में चला जाएगा। अब एग्जैक्ट प्राइस कंपनी की तरफ से अभी भी कंफर्म नहीं है, जैसे जैसे लॉन्च डेट नजदीक आएगा डेफिनेटली कंफर्म कर दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। मिलता हूँ ऐसा ही तगड़े और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे एंड स्टे सेफ। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना जरूर मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।